11 अक्टूबर 2022 को, 11 अक्टूबर 2022 को मेरी आईडी ओपन हुआ इसमें, और उसके बाद मैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन काम कर पाया था। मतलब समझिए कि 2 से 4 डायरेक्ट लगाया ही था मैंने कि अचानक मेरे साथ कुछ ऐसा घटना हुआ कि मैं पूरे 1 महीने तक काम नहीं कर पाया। वो मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और मैं 11 नवंबर 2022 से इसमें वर्किंग पे फोकस किया, स्टार्ट किया दोबारा से, और 20 दिसंबर लगभग 1 महीने 10 दिन में जो ड्रीम लेवल सभी का है, जो जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं या जितने लोग अभी तक इस मंच में या इस एवरग्रीन के अंदर अपनी आईडी ला चुके हैं, जिनका ड्रीम लेवल होता है कि 12 स्लॉट तक हमें जाना है, मैं उस पे आसीन हूँ और उसमें हमारे टीम का सहयोग है। उन सभी को थैंक्स और धन्यवाद दूंगा, और मैं चाहूंगा कि मैं भी साथ दूं उनका, उनको आगे बढ़ने के लिए। और मैं इनकम की बात करूं तो मात्र मैं उसको 2.5 महीना ही बोलूंगा, 2.5 महीने में मेरी इनकम जो है 10 लाख प्लस की इनकम है। और मैं टीम की बात करूं तो मेरी टीम लगभग इंडिया से बाहर 11 देशों में वर्क हो रही है, और सभी देश में लगभग आसपास के जितने देश हैं, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मलेशिया, कतर, सऊदी अरबिया, दुबई, कनाडा, सब जगह लगभग लगभग वर्क और तेजी से हो रहा है। और आप सभी का भी सहयोग है इसमें, क्योंकि इंडिया में भी हर स्टेट में काम स्टार्ट हो चुका है। तो मैं बताना चाहूंगा, समय अगर बताने की हो तो पूरा रात बीत जाएगा, लेकिन हमें जिसके बारे में हमें जिससे कंसेप्ट पे हमें बात करना है, जिसपे हमें काम करना है, अगर उस पर हम ज्यादा समय देंगे तो हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले थोड़ा सा मैं वर्बली आपको बता देता हूँ, फिर पीडीएफ पे आऊंगा। मैं बताना चाहूंगा जिस कंसेप्ट के बारे में हम बताने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं आप लोगों से, वो कंसेप्ट का नाम एवरग्रीन है, सदा हरा भरा। नाम से ही आपको महसूस होना चाहिए कि जिन प्रोग्रामर ने, जिन क्रिएटर ने इनका नाम ही रखा है एवरग्रीन, सदा हरा भरा। उसके बाद इसके टैगलाइन उससे भी मतलब बेहतरीन, नेवर क्विट, कभी खत्म नहीं हो सकता। सोचिए, प्लान को लाने से पहले ही अगर ऐसे दिमाग में हो कि इसका नाम और इसका टैगलाइन ऐसा हो तो उसका काम कैसा होगा, उसका काम भी उससे बेहतरीन होगा और उससे बेहतरीन है। क्यों है, मैं आज थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं आपको, क्योंकि जो हमारा एवरग्रीन का जो वेबसाइट है, वेब लिंक है, जो evergreenworld.io, ये किस पे काम करता है ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे आईओ पे काम करते हैं, बहुत सारे लोग मार्केट में बरगला रहे हैं कि हमारा भी डिसेंट्रलाइज है, हमारा भी ब्लॉकचेन पे है, लेकिन उसे परखने हमें आना चाहिए। दुनिया में बहुत सारे लोग बोल के आते हैं लेकिन स्कैम कर रहे हैं, लेकिन उसे परखने के लिए क्या चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारा जो एवरग्रीन है world.io, वो डिसेंट्रलाइज वेब पे काम करता है और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ब्लॉकचेन पे काम करता है, बिनांस के BNB स्मार्ट चेन, जो BSC स्कैन है, जो स्कैन है। और ब्लॉकचेन की थोड़ी सी आज डिस्क्रिप्शन आप लोग बता देता हूँ कि ब्लॉकचेन का मतलब होता है सिंपल सा डिजिटल लेजर, और वो डिजिटल लेजर है जहां पे कोई एडिटिंग, कोई डिलीटिंग नहीं हो सकता, कोई चाह के भी नहीं कर सकता, कोई क्रिएटर क्या, कोई हैकर्स, कोई स्कैमर भी नहीं कर सकता। उसके लिए हम चैलेंज कर सकते हैं कि अगर उसमें कोई बदलाव कर सकता है, कोई डिलीटिंग कर सकता है या कोई एडिटिंग कर सकता है, जोड़ सकता है, तो मैं उसके साथ हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिस भी कंसेप्ट में अगर ऐसा एडिटिंग होने लग गया, डिलीटिंग होने लग गया, तो समझिए वो कंसेप्ट डिसेंट्रलाइज वेब पे या ब्लॉकचेन पे नहीं है, वो सिर्फ नाम के लिए है। उस क्रिएटर के पास सारे की है, वो जब चाहेगा उसको स्कैम कर सकता है। तो ये जानना हमें आना चाहिए। तो हमारा जो एवरग्रीन है, दुनिया के बेस्ट ब्लॉकचेन पे है, और ब्लॉकचेन के ऊपर प्रोग्रामिंग की हुई है, जो कि आज भी वही रहेगा और 100 साल बाद भी, 1000 साल बाद भी सेम ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं। दूसरी बात है, डिसेंट्रलाइज वेब पे काम करता है। दुनिया में 2 तरह के वेब होते हैं, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। उसको कैसे परखना है मैं आज थोड़ी सी आप लोगों को जरूर बताऊंगा। सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि वो गूगल पे चलेगा, क्रोम पे चलेगा, या अरे गरे एप्लीकेशंस
कोई भी, हम आप भी बना सकते हैं और उसको प्ले स्टोर पे डाल सकते हैं कुछ पैसे दे करके, और उसके माध्यम से उस पे इंस्टॉल प्रोग्राम किया जाता है, उसके माध्यम से वो चलाते हैं, उसके कोई क्रिएटर होता है, उसके पास की होती है, जब तक वो चाहेगा, जब तक उसके मन में पाप और लालसा नहीं आती तब तक आपको चलाता रहेगा, जिस दिन उसको लगेगा उस दिन बंद करके आपका पैसा चला जाएगा। और ऐसे होते आ रहा है, पूरे इंडिया में ऐसा हो रहा है, 90% ऐसे ही हो रहा है। तो उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे साथ स्कैम हो गया, सब बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, लेकिन किसी को पता ही नहीं कि डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज होता क्या है। मात्र 5% लोगों को पता है कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में फर्क क्या है इंडिया में। तो सबसे पहले हमें परखना है कि हमारा जो वर्क हो रहा है वो किस पे हो रहा है, गूगल पे हो रहा है, क्रोम पे हो रहा है, या किसी एप्लीकेशन पे हो रहा है। किसी एप्लीकेशन पे इसलिए कर रहा हूँ कि हमारा जो वेव है वो भी आप प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करेंगे, लेकिन वो अरेगर एप्लीकेशन नहीं है, वो एक डिसेंट्रलाइज वेव है, वो भी एक एप्लीकेशन है जो कि आप प्ले स्टोर के माध्यम से ही आप उसको इंस्टॉल करते हैं, जिसका नाम है, फर्स्ट नाम जो हम लोग प्रेफर करते हैं वो ट्रस्ट वॉलेट है, दूसरा जो नाम है मेटामास्क वॉलेट, और ये डिसेंट्रलाइज वेव है, इसके इसके ब्राउजर पे काम करता है हमारा हमारा जो एवरग्रीन वर्ल्ड डॉट आईओ है वो ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क के ब्राउजर पे काम करता है, ये कोई गूगल ब्राउजर पे काम नहीं करता है, ये इतना ध्यान रखिए आप। और इसी को बोलते हैं डिसेंट्रलाइज। और डिसेंट्रलाइज की और बात कर लो, एक और खासियत होती है कि आप वन टाइम ही एक वॉलेट बना सकते हैं, उसका एक सीक्रेट फेज होगा, 12 वर्ड का की होगा, जो कि आपको लाइफ टाइम आपके जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी वही रहेगा। लेकिन अरे गरे एप्लीकेशन जो आप बनाते हैं उसमें लाखों आईडी आप बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं, की चेंज कर सकते हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड वेब का कभी की चेंज नहीं होगा। तो इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि हम डिसेंट्रलाइज्ड वेब पे हैं। और सबसे पहले आपको बताया दिया, अगर कोई चेंजेज आता है किसी ब्लॉकचेन में, बहुत सारे प्रोग्राम ब्लॉकचेन के ऊपर चल रहा है, वो भी डिसेंट्रलाइज ही बोलते हैं, लेकिन अगर उनके अंदर कोई लाइबिलिटी क्लियरिटी नहीं आती है आपकी, कोई प्रोग्राम की कैलकुलेशन क्लियरिटी नहीं है आपको, या कोई डिलीटिंग या एडिटिंग हो रही है, तो समझिए कि वहां पे स्कैम होने वाला है। तो ये सोचिए कि हमारा एवरग्रीन में कभी बदलाव नहीं होने वाला है, ये टोटली ब्लॉकचेन के ऊपर ऑलरेडी प्रोग्रामिंग की जा चुकी है और डिसेंट्रलाइज वेब पे है, तो यहाँ से तो आप बिल्कुल सेफ है। सिर्फ आपको करना क्या है, और यहाँ पे सिंपल सा वर्क भी है। वर्क क्या है कि आपको समझना है केवल कि 1 स्लॉट से 12 स्लॉट क्या है, क्योंकि 1 से 12 स्लॉट तक जो प्रोग्रामिंग की हुई है वो आज भी वही रहेगा और 100 साल बाद भी वही रहेगा। केवल फर्क क्या होगा कि ये दुनिया के 3rd नंबर कॉइन पे काम करता है, 3rd नंबर, दुनिया में 22,000+ क्रिप्टो करेंसी है, उसके 3rd नंबर पे वर्क करता है हमारा एवरग्रीन वर्ल्ड, जिसके लिए हमें कभी सोचना नहीं है कि लिस्टेड है कि नहीं, लिक्विडिटी है कि नहीं, या उसकी हिस्ट्री क्या है, नहीं सोचना है दोस्तों। सिर्फ आपको फोकस करना है वर्किंग पे, और वर्किंग सिर्फ 12 स्लॉट का है जो आपको समझना है, और 1 से 2 बार आप देखेंगे तो 100% समझ में आ जाएगा। बहुत सारे दोस्तों का होता है कि हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं इस प्लान को, ऐसा इस प्लान में है क्या? सिंपल सा तो 1 से 12 स्लॉट तक है वर्किंग में, और 4 का साइकिल है। कोई ऐसा तो नहीं है कि आपको बाइनरी प्लान बनाना है, आपको याद रखना है कि लेफ्ट में कितने हैं, राइट में कितने हैं, ये तो कहीं आपको देखना ही नहीं है। लेफ्ट में बिजनेस कितना है, राइट में बिजनेस कितना है, कितना करूंगा तो मुझे पे आउट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा तो कुछ यहाँ पे है ही नहीं। तो आप सोचते क्यों है कि इतना ऐसा प्लान, इतना ऐसा क्या बना दिया आपने, हवा बना दिया आप लोगों ने कि प्लान में ऐसा क्या है कि समझ में नहीं आता। प्लान में कुछ भी नहीं है, 1 से 12 स्लॉट है बस, और 4 का साइकिल है। ये समझ गए तो सब कुछ समझ गया। अब सिंपल सा मैं लेके आपको चलता हूँ पीडीएफ के ऊपर, पीडीएफ से गाइड करता हूँ मैं, आप थोड़ा सा प्लान क्लियर होता है। तो मैं बात करूंगा, आप सभी का वेलकम है, आप सभी का फिर से स्वागत है इस पीडीएफ के माध्यम से। मैं आप लोगों को प्लान देने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ, कुछ अगर कहीं त्रुटि हो तो माफी चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आप सभी का स्वागत है, और एवरग्रीन हमेशा सादा भरा जो नाम ही रहता काफी है, और नेवर पिट इसका टैगलाइन जो पहले बता चुका हूँ। अब हम बात करेंगे इसमें, जो मैं पहले ही बता रहा था कि हमारे दुनिया में 22,000+ क्रिप्टो करेंसी है। पुराना हमारा पीडीएफ है इसलिए थोड़ा सा एडिटिंग अभी नहीं हुआ, इसमें एडिटिंग होगा तो आगे दिखेगा। 22,300+ मार्केट में क्रिप्टो करेंसीज है, जिसको हम कॉइन और टोकन के नाम से जानते हैं। उसमें से मैं बात करूं तो पहला जो मदर करेंसी है, जो सभी जानते हैं, क्रिप्टो करेंसी को ही समझते हैं लोग बिटकॉइन और कुछ नहीं। अगर कोई क्रिप्टो करेंसी बात करे तो लोग कहता है क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है। क्रिप्टो करेंसी में से एक बिटकॉइन है, उसी 22,000 में से एक बिटकॉइन है। दूसरा
नंबर का जो क्वाइन है वो वर्ल्ड वाइड वो एथेरियम है। तीसरा क्वाइन जो है वो बीएनबी है, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि दुनिया के थर्ड लार्जेस्ट क्वाइन पे हमारा एवरग्रीन वर्क करता है, जिसके लिए हमें कभी आप किसी को कभी सोचने की जरूरत नहीं है, कभी किसी लिक्विडिटी की सोचने की जरूरत नहीं, कभी कहीं लिस्टिंग की सोचने की जरूरत नहीं है, या कभी सेल परचेज के लिए कभी मतलब खरीदारी और बेचने के लिए भी आपको कभी भी सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये तो क्लियर है। अब बात करूंगा मैं कि हमारे एवरग्रीन में आपको इनकम जो मिलने वाली है वो पांच प्रकार से मिलने वाली है, 5 types of income। पहला इनकम जो है वो है वर्किंग, दूसरा जो इनकम है वो है नॉन वर्किंग, लेकिन वर्किंग में आपको एक प्रकार का इनकम है और नॉन वर्किंग में चार प्रकार का है। वर्किंग में आपको वर्किंग का जो नाम है वो E3+ है और उसमें 12 स्लॉट आते हैं, उसको वर्किंग बोलते हैं। नॉन वर्किंग की बात करें तो उसका पहला नाम है E5, जिसमें आपको एंट्री करते ही आप उसमें चले जाते हैं। दूसरा जो नॉन वर्किंग है, पहला नॉन वर्किंग E5 है, जिसमें आपको 7.205 BNB मिलेगा और ये आपको 6 installments यानी 6 किस्तों में आपको मिलेगा और ग्लोबली 5 की मैट्रिक से मिलेगा। ये मैं आपको नॉन वर्किंग की बात कर रहा हूँ। दूसरा जो है E5+ एवरग्रीन का जो दूसरा नॉन वर्किंग का नाम है वो E5+ नाम है, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। उसमें आपकी आईडी जब जाती है, एक आईडी, तो उस पे 144 BNB मिलता है और ये भी 6 installments में मिलती है, यानी 6 किस्तों में मिलती है, ये भी 5 की मैट्रिक से ग्लोबली मिलती है। चौथा जो नॉन वर्किंग है एवरग्रीन का उसका नाम है तीसरा जो नाम है एवरग्रीन का जो नॉन वर्किंग का EG4, उसमें अगर आपकी एक आईडी जाती है तो आपको 610.80 BNB मिलता है और ये भी ग्लोबली मिलता है 4 की मैट्रिक से, यानी 4 के गुणांक से मिलता है और ये आपको 10 किस्तों में मिलता है और ये भी ग्लोबली मिलता है। चौथी जो इसकी नॉन वर्किंग का नाम है एवरग्रीन का, उसका नाम है E3 Premium और इसमें आपकी जब आईडी जाती है तो आपको 300 BNB मिलता है और ये मात्र 5 installments में, यानी 5 किस्तों में मिलता है और ये ग्लोबली 3 की मैट्रिक से मिलता है। अब मुझे लगता है कि आपको सभी को पता है कि मैट्रिक्स और गुणांक क्या होता है, यानी कि आपकी जिसमें भी चारों नॉन वर्किंग की बात कर रहा हूँ, पहले चारों में अगर किसी में भी आपकी एक आईडी जाती है तो आपके आपके आने के बाद आपका जब नंबर आएगा आपके नीचे 5 लोग ग्लोबली आएंगे, यानी आपके वर्क से नहीं ग्लोबली वर्क हो रहा है, तो आपको पहला किस्त मिल जाएगा जो कि आगे आपको पीडीएफ में मिलेगा, उसको बोलते हैं हम 5 की मैट्रिक्स। और ये सेम सभी के ऊपर लागू होता है, जितने 4 नॉन वर्किंग है सभी के ऊपर ये सेम चीज है। 5 आए और 5 के नीचे फिर 5, 5, 25 आएंगे तो आपको दूसरा, 25 के नीचे जब 125 लोग होंगे तो आपका तीसरा, 125 के नीचे 625 होंगे तो आपका चौथा, 3125 होंगे तो आपको पांचवा, 15,600 कुछ होंगे तो आपको छठा। तो ये आपको ये गुणांक सभी पे सेम लागू होता है, लेकिन मैट्रिक्स थोड़ा सा चेंज है तो क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन मैट्रिक्स इसी को बोलते हैं कि 5 की मैट्रिक से आपको E5, 5 की मैट्रिक से E5+, 4 की मैट्रिक से EG4 और E3 Premium जो है 3 की मैट्रिक से। अब बात करेंगे हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, हाउ टू स्टार्ट। स्टार्ट करने के लिए आपको BNB का 100वां भाग, यानी BNB का अगर आज 26,000 रुपये रेट है तो 260 रुपये 100वां भाग होगा। आज 260 रुपये से हम स्टार्ट कर सकते हैं इस प्लान को, प्लस गैस फीस लगेगा, जो गैस फीस जो प्राइस लगती है, जैसे हम कहते हैं कि अगर हमें मोटरसाइकिल चलाना है तो उसमें पेट्रोल जरूरी है, कार चलानी है तो पेट्रोल की जरूरत है, उसी प्रकार से अगर वेबसाइट पे, अगर डिसेंट्रलाइज वेबसाइट पे हम वर्क करते हैं, किसी ब्लॉकचेन पे करते हैं तो उसमें भी गैस फीस, यानी कि उसमें भी एक पेट्रोल के चार्ज में हमें लगता है, BNB ही लगेगा, तो इसलिए वो रेट बढ़ जाता है। लेकिन 260 का चार्जेज है आज के हिसाब से और 0.01 से आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप स्टार्ट करेंगे, वो आज का रेट बताया, लेकिन मान लीजिए आने वाले टाइम में 50,000 का भी होगा और बहुत जल्द दिखेगा आपको इसी साल में, तो आपको 500 रुपये लगेंगे स्टार्ट करने के लिए। मान लीजिए 1,00,000, यानी नेक्स्ट ईयर में आपको 1,00,000 दिखने को मिलेगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की अगर कोई नॉलेज रखते होंगे, बुल रन स्टार्ट है और बुलिस पे हमारा क्रिप्टो करेंसी चल रहा है तो ये होने वाला है, तो अगर अगले साल आपको 1,00,000 का भी हो जाएगा तो 1,000 से आप इंडियन करेंसी में आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा BNB आपको 0.01 ही लगेगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर है, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। सिर्फ आपका बदलाव क्या होगा, जो इंडियन INR जो है या कंट्री वाइज जो भी INR होगा वो यहाँ पे लगने वाला है। अब मान लीजिए हो सकता है 2025 या 26 में 5,00,000 को भी आपका दिखेगा, टच करेगा हमारा BNB, तो आपको मात्र 5,000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं और उस टाइम पे 5,000 का वैल्यू आज के 500 के बराबर ही होगा। तो यहाँ पे हमेशा ये सोच के चलना कि आपको लगना क्या है 0.01 BNB। एक हमने एग्जांपल आपको दे दिया कि बढ़ेगा रेट तो बढ़ता ही रहेगा क्योंकि क्रिप्टो करेंसी है। अब मैं बात करूंगा, जब हम स्टार्ट करते हैं 0.01 से तो हमारी आईडी दो जगह एक्टिव होती है उसी पैसे में से,
यानी 0.005 बट गया वर्किंग के लिए, एवरग्रीन के E3 प्लस में आपकी आईडी एक्टिव हो गई वर्किंग के लिए। दूसरी साइड में आपकी नॉन वर्किंग के लिए आधा पैसे यानी 0.005 नॉन वर्किंग के लिए आपकी बढ़ गई, यानी E5 प्लस में आपकी एक आईडी चली गई। आपकी यहाँ पे दोनों जगह स्टार्ट हो चुकी वर्किंग, स्टार्ट करते ही मतलब वर्किंग के लिए भी आप एक्टिव एलिजिबल हो गए, नॉन वर्किंग के लिए भी आप एलिजिबल हो गए E5 में। अब एलिजिबल होते ही आपका 7.205 BNB मिलेगा आपको, और वो पहले ही बताया था मैंने आपको कि 6 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, और वो ग्लोबली 5 की मैट्रिक से मिलेगा, और आज के रेट से भी अगर डाउन हम 25,000 का एग्जांपल लेके चलते हैं तो लगभग 1,80,000 प्लस होता है। दोस्तों सोचिए, हम 400 से 500 रुपये लगा के भी अगर स्टार्ट करते हैं तो मैक्सिमम जो आज का रेशियो चल रहा है वो 2 मंथ का चल रहा है, मैक्सिमम 1 ईयर के अंदर आपका 6 का 6 इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। तो 500 लगा के 1,80,000, और उसके बाद आगे खूबसूरती दिखाऊंगा कि इसकी खूबसूरती क्या है, ये तो वन टाइम का है। अब मैं बात करूंगा कि E5 वर्क कैसे करता है। E5 वर्क मतलब नॉन वर्किंग की हम अभी बात कर रहे हैं, E5 वर्क कैसे करता है। E5 मैं देखिए आपका ग्लोबली की बात कर रहा हूँ, आप नहीं वर्क कर रहे हैं, ये नॉन वर्किंग की बात कर रहे हैं। E5 में अगर आपकी आईडी गई है स्टार्ट करते ही तो आप E5 एक्टिव हो जाते हैं, और ग्लोबली जैसे ही आप देखेंगे 5 ब्लॉक्स बने हुए हैं साइकिल में, 5 का ये साइकिल है, 5 का ये मैट्रिक्स है। इसमें आपका दूसरे और चौथे पे जब बंदा आ जाएगा तो आपको इसका पैसा 100% पहला किस्त मतलब यानी 0.01 जो आप लगाए तो आपको मिल जाता है। पहले तीसरे और पांचवें स्थान पे जो भी व्यक्ति आएगा ग्लोबली उसका पैसा आपके वहां के अपलाइन को चला जाएगा जहां आपकी आईडी लगी है। इसमें अब आप ये कहीं सोचेंगे कि नहीं जिसके नीचे मैं हूं उसको जाएगा, नहीं, आपकी आईडी जहां पे जाके लगी है, क्योंकि ये पहले आओ और पहले पाओ के सिद्धांत पे होता है ऑटोपुल, आपकी जहां आईडी लगी है वहां के अपलाइन को जाएगा, यानी आपको पता नहीं है कि किसके नीचे जाके लगी है क्योंकि ये ग्लोबली वर्क हो रहा है और ऑटोमेटिक वर्क हो रहा है, तो ये वहां के अपलाइन को मिल जाएगा। और मुझे लगता है यहां से आपको समझ में आ गया, और जो ऑटोमेटिक वहां के अपलाइन को मिलेगा उसी अमाउंट से आपका सेकंड स्लॉट अपग्रेड हो जाएगा, और सेकंड जो आप स्लॉट अपग्रेड होगा तो अगला आपको जब अगले 5-5 लोग आएंगे उनके नीचे तो उसमें से आपको 15 लोग आपके नीचे आएंगे तो 15 लोगों का पैसा आपको मिलने वाला है, यानी 75.075, लेकिन वहां के अपलाइनों को चला जाएगा 0.045, और उससे आपका अगला स्लॉट अपग्रेड हो जाएगा और आपको 0.03 यानी कि दूसरा इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। अब बात करेंगे कि आप पहले ही आपको बता चुका हूं कि कैसे जाएगा और ये वहां के अपलाइन को चला जाता है। सेम अगला स्लॉट भी वैसे ही 0.045 से एक्टिव हुआ, यानी 45 लोग उनके नीचे आए तो 45 लोगों का आपको 0.225 मिल जाएगा, और उसी पैसे में से ऑटो अपग्रेड हो जाएगा और वो 0.135 से आपका नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड हो जाएगा, और आपको यहाँ से रीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। सबसे खूबसूरत बात जो है वो देखिए, आप एक बार यहाँ आ तो जाएंगे चाहे किसी भी नॉन वर्किंग में, आप दोबारा पीछे मुड़ के जा नहीं सकते। यहाँ पे कोई रिवर्स गियर नहीं है इस प्रोग्रामिंग के अंदर, जो क्रिप्टो करेंसी में जो होता है ना सेम वही चीज प्रोसेस किया गया इस प्रोग्रामिंग में भी, कि आप एक बार भी बैक नहीं जा सकते। एक बार आपकी आईडी अगर E5 में, E5 प्लस में, E4 में कहीं भी चली गई है तो आप बैक नहीं होंगे, आपको पैसा का समझिए कि पौधा लगा चुके हैं BNB का, वो आता रहेगा। अब कैसे आता रहेगा मैं बताता हूँ। मान लीजिए तीसरा किस्त आपको आया 0.07, लेकिन आपको यहाँ 0.02 से डिडक्शन जो होगा रीजनरेट हो गया आपका 2 आईडी, 0.02 से 4 आईडी यानी 4 आईडी आपकी रीजनरेट हो गई। अब मैं बताना चाहूंगा आपका जो पहला दूसरा किस्त आया है तीसरे किस्त पे आपको 4 आईडी रीजनरेट हो गई, लेकिन जब आपका 4 आईडी रीजनरेट हो गई और इससे नेक्स्ट जो आपका आने वाला है, नेक्स्ट जो आने वाला चौथा किस्त, तो आपकी पहली आईडी के चौथा किस्त आएगा और आपकी ये 4 जो रीजनरेट हुई है आईडी, रीजनरेट आईडी पे भी पहला किस्त आ जाएगा। तो मैंने जो बताया आपको कि एक साल में एक आईडी पे 1,80,000 प्लस मिलेगा, उससे कहीं ज्यादा मिलने वाला है, क्योंकि आपका जो रीजनरेशन जो यहाँ पे जो खूबसूरती है रीजनरेशन का है उसकी तो हम बात ही नहीं करते, क्योंकि उसकी जब कैलकुलेशन दिखा दें तो आप कहेंगे मिल सकता है क्या इतना पैसा। जरूर मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि ये कैलकुलेटेड प्लान है, मैथमेटिक्स प्लान है, ये आपको दिखता है, आपके आंखों के सामने का प्लान है, इसमें कोई हिडन नहीं है, आपके सामने दिखता है, आप एक एक करके देख सकते हैं पर डे कि किसकी आईडी पे कितने लोग जा चुके हैं और कितने उनके आने वाला है। और एक बंदा भी आपके खाते में आता है तो एक का पैसा आपके पास आ जाता है, दूसरा आता है तो दूसरा आ जाता है। यहाँ पे कोई स्टोरेज भी नहीं है कि आपके पैसे स्टोर होंगे तब आपका किस्त एक बार में छूट जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 0.01 आपका फर्स्ट आता है तो वहाँ पे एक बार में 0.01 नहीं आता, पहला बंदा आपके पास आपके खाते में आता तो 0.005 आएगा, फिर दूसरा बंदा जब आपका आता है तो उसका 0.05 होकर तब आपका वो 0.01 प्लस हो जाता है। तो सेम इसी प्रकार से चौथा स्लॉट भी अपग्रेड होगा 0.135 से, और आपको चौथे किस्त में भी आपका 0.25 आपका इनकम होगा और 4 आईडी फिर से रीजनरेशन हो जाएगी, यानी अब आपकी 8 आईडी
आठ आईडी रीजनरेट हो गई। अब इससे सोचिए, आपका जब पांचवा किस्त आने वाला है तो आपका रीजनरेशन वाली जो पहली आईडी चार है उस पर दो दो किस्त आ जाएंगे, और फर्स्ट वाली जो है जो सेकंड वाली रीजनरेशन उस पर भी पहला किस्त आ जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन तो हम आपको बता ही नहीं रहे, जब इसकी कैलकुलेशन आप करेंगे खुद तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं बात करूंगा कि जब 0.405 से अगला स्लॉट मतलब पांचवा स्लॉट जब अपडेट होगा तो आपके नीचे 405 लोग आएंगे आपके खाते वाले, तो आपको 2.025 मिलने वाला है, उसमें से फिर से डिडक्ट हो जाएगा ऑटो अपग्रेड के लिए 1.215, और रीजनरेट हो जाएगा फिर से डिडक्ट होगा 0.02 और आपको मिलेगा 0.79 बीएनबी, और आपका फिर से यहाँ पे चार आईडी रीजनरेट हो जाएगी। तो ये सिलसिला फिर नेक्स्ट वाले में वही है कि आपका उसी पैसे से जब 12 से 15 लोग आपके नीचे आएंगे आपके हिस्से वाले तो आपका छठा स्लॉट का 6.075 आपको मिलेगा, उसमें से सिर्फ कटेगा क्या, क्योंकि अगला ऑटो अपग्रेड नहीं होगा क्योंकि यहाँ 6 किस्तों में ही आने वाला है। उसके बाद जो आपको 0.02 डायरेक्ट होगा सिर्फ रीजनरेट के लिए होगा आपकी आईडी, और रीजनरेट जब आईडी होगी तो फिर से आपको 6.055 आपको मिल जाएगा, और तब तक आपके 12 आईडियों में आपके किसी की 3 किस्त, किसी की 2 किस्त और किसी की 1 किस्त मिलेगी, आपको मिली रहेगी आपके वॉलेट में। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको एक ही आईडी पे 7.205 बीएनबी मिलता है जो कि 25,000 के हिसाब से 1,80,000 प्लस होता है, प्लस जो आपके बीच में बताया मैंने कि जो रीजनरेट होगी उस पे भी मिल जाएगा, उसके हमने बताया नहीं, वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब बात करेंगे हम E3 प्लस की, जो हमारा वर्किंग है, और वर्किंग से ही नॉन वर्किंग में आप प्लस भी कर सकते हैं, और वर्किंग से ही नॉन वर्किंग हमें मिलती है। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप कभी भी ये ना सोचें कि हमारी आईडी लग गई, हमने अगर सबने सोच लिया कि हमारी आईडी लग गई हमें ऑटो पुल आ जाएगा, नहीं आएगा दोस्तों। यहाँ पे हम सभी को हाथ मिला के हम सभी फैमिली को सहयोग करना होगा। सोचिए अगर एक ही घर में 5 लोग हैं उसमें से एक व्यक्ति काम करता है तो कितना बोझ पड़ता है उसके ऊपर, सबको खिलाने पिलाने में, सबके सारे चीजें को पूरा पूरा करने में। तो ये चीज यहाँ भी लागू होता है, अगर हम 5 लोग यहाँ पे आ चुके हैं, 5 नॉन वर्किंग में जा चुके हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम 5 लोगों को फिर से उस लेवल तक जरूर पहुंचा दे ताकि हमें भी जल्द से जल्द हमें मिले। और ये अगर साइकिल आपने चला दिया ना सिर्फ 4 का भी सब लोगों ने, तो नॉन वर्किंग की मैं बात करूं 1 साल की, आपको 6-6 महीने, आपको 3-3 महीने, 2-2 महीने में आपके ऑटो पुल कंप्लीट होंगे 6 का 6 किस्त। केवल वर्क करना होगा सभी को मिलके, क्योंकि इतना शानदार प्लान अभी वर्ल्ड में नहीं है, इसके लिए मैं चैलेंज कर सकता हूं। मैं बात करूंगा E3 प्लस की। अब E3 प्लस में पहला व्यक्ति, मान लीजिए आपने 0.01 से स्टार्ट किया, तो पहला व्यक्ति आता है तो कैसे वर्क होता है वो आपको बता रहा हूं। पहला व्यक्ति जब अभी आता है आपका पहला स्लॉट में, जब पहले स्लॉट से आप स्टार्ट करते हैं, पहला व्यक्ति आपके नीचे आता है तो कैसे वर्क होता है, आपकी एक आईडी यानी पहले से आपकी एक आईडी थी, अब 2 आईडी हो जाती है, चाहे वो आपका घर का आईडी लगा रहे हैं आप, चाहे आप बाहर का लगा रहे हैं, या आपके नियर डियर कोई भी है, पहला व्यक्ति आपके नीचे रेफर करते हैं। यहाँ सबसे अच्छी खूबसूरती है कि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, आपको एक चीज और बता रहा हूँ कि कंडीशन भी कोई नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको नेटवर्किंग की तरह आपको आदमी जोड़ना है यहाँ पे, ये अलग बनाना है, बाइनरी प्लान है, पहले ही बता दिया था मैंने, यहाँ पे कंडीशन फ्री प्लान है। लेकिन हाँ, आप ज्यादा काम करेंगे उतने जल्दी आपकी ऑटो पुल भी आएंगे, उतना ही ज्यादा से ज्यादा आपको इनकम होने वाला है। तो आप देखिए पहले व्यक्ति से आपकी आईडी प्लस हो गया, यानी कि जो आईडी पे आपको 1,80,000 मिलने वाला था, अब 2 आईडी पे आपको 3,60,000 मिले, यानी कि आप सोचिए कि एक व्यक्ति को कितना जल्दी आप रेफर करने वाले हैं। अगर पहले दिन ही रेफर कर देते हैं आपकी 2 आईडी पहले दिन चली जाती है, यानी एक आईडी पे 1,80,000 आना है, उसी दिन आपका 2 आईडी पे 3,60,000 आएगा, और उसी दिन अगर आप ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे तो और प्लस कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट आपका बंदा नेक्स्ट जब बंदा आएगा, 2 आएंगे तो उसका 100% आपको मिलेगा। एक चीज और देखिएगा, पीडीएफ में आप लोग देखिएगा, जहां भी व्हाइट कलर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिस भी व्हाइट कलर आप देखेंगे वो व्हाइट कलर आपका सेल्फ इनकम होता है, उससे फायदा आप ही को मिलने वाला है। अगर पिंक कलर आप देखते हैं तो समझिए कि उसमें से 50% आपको मिलेगा, आगे आपको मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ का 100% दोनों का, सेकेंड और थर्ड का 100% आपके बटुए में चला जाता है। चौथा बंदा जब भी आता है जिस भी स्लॉट में आता है उसका हमेशा रिसाइकल होगा, और रिसाइकल होके ये आपके स्पॉन्सर को चला जाएगा, और ये किसी स्लॉट से आपके स्पॉन्सर के ऊपर जाएगा। यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा कि बहुत सारे साथियों का सवाल अंदर अंदर होता है, घुटते हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरा चौथा बंदा हमेशा अपलाइन के पास जा रहा है। सोचिए कि प्लान आपके पास किसने लाया है, और आपके साथ भी वही होने वाला, जो आप 4 लोग लेके आए हैं वो 4 लोग भी जब काम करेंगे तो उनके भी चौथे से आपके पास आना है। तो आप पहले अपने जगह पे खड़े होकर सोचिए कि आपके साथ क्या होने वाला है, तब ऊपर वाले में सोचिए कि हमारा काम क्या है, ऊपर वाले को जा रहा है, वो उसका हक है, उसको जाएगा, वो प्रोग्रामिंग वैसा किया हुआ है, सिस्टम उसको दे रहा है। तो कभी ये ना सोचे कि मैं वर्क कर रहा हूँ, मेरा चौथा बंदे का अपलाइन को जा रहा है, एक आपके साथ भी होने वाला है। तो ये हमेशा आपका चौथा रिसाइकल होगा, और आपके स्पॉन्सर को जिस जगह पे उनकी पोजीशन खाली होगी वो वहां पे जाके आपकी आईडी लग जाती है, और उनको उसका पैसा या जो भी जैसा भी उनको मिलने वाला है 100% उनके पास चला जाएगा, और फिर से आपके चारों जगह खाली हो जाता है। अब अनलिमिटेड यहाँ पे आप साइकिल बना सकते हैं, अनलिमिटेड आपकी आईडी प्लस कर सकते हैं, हर पहले बंदे से आपकी आईडी प्लस होगी,
हर दूसरे तीसरे से आपको 100% इनकम मिलेगी और हर चौथा बंदा आपका स्पॉन्सर के नीचे जाके लगता रहेगा। और यहाँ पे खूबसूरती क्या है कि अगर एक व्यक्ति भी आपके नीचे काम करने वाला मिल गया तो आपका स्लोट भरता ही रहेगा, वो रिसाइकल होके उसका हर चौथा बंदा रिसाइकल होके आपके नीचे आता रहेगा। और आपको अगर एक्टिव बंदा एक भी कोई मिल गया तो समझिए कि आपको वहां तक पहुंचा देगा जहां आप सोच भी नहीं सकते। तो ये सेम कैसे बताया था आपको, जो पहले ही आपको बताया था कि जहां पे व्हाइट दिख रहा है वो भी आप समझिए। आप स्टार्टिंग तो आपको बता दिया, सेकंड स्लोट जो 0.01 से जो स्टार्ट करते हैं तो आपको शुरू के दो आदमी का फायदा मिलने वाला है, यानी पहला बंदा जब आएगा तो आपको 0.005 की इनकम हो जाएगी और एक आईडी आपकी प्लस हो जाएगी। यानी आप जहां पे दो आईडी थी आपकी, दूसरे स्लॉट की बात कर रहे हैं, अब हम दूसरे स्लॉट में जब पहला व्यक्ति, चाहे वो चार के जो बंदे आए थे आपके उसी में से कोई एक व्यक्ति जाता है दूसरे स्लॉट पे, पहला कोई भी हो सकता है, ए बी सी डी में से कोई भी हो सकता है, वो डी भी हो सकता है, तो दूसरे स्लॉट में जब डी वाला ही पहला बन जाता है तो आपको 0.005 की इनकम भी हो जाती है और 0.05 डिडक्ट होके आपकी एक आईडी और प्लस हो जाती है। यानी आप साथ साथ बीएनबी जो मिलने वाला तीन आईडियों पर आपको मिलेगा, यानी कि 5,40,000 प्लस हो जाते हैं आपके लिए। नेक्स्ट, दूसरा बंदा जब आएगा, जब भी किसी भी स्लॉट में दूसरा बंदा आपका आएगा तो उसका 100% आपको इनकम होगा, 100% आपके बटुए में जाएगा और विड्रोल फ्री, यहाँ पे कोई विड्रोल चार्ज नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, आपके सीधे कनेक्टेड बटुए में जाता है। लोग कहते हैं कि वो सही में मिल जाएगा क्या, बिक भी जाएगा क्या, 100% बिकेगा। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज लेना चाहेंगे तो आपका बिकेगा नहीं, दौड़ेगा, और होल्ड करेंगे तो दोगुना चार गुना भी बढ़ता जाएगा। और तीसरा व्यक्ति, आपके तीसरा व्यक्ति, मैं अब यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, पहले स्लॉट में से आपके तीसरे जो बंदा आएगा उससे आपके सेकंड अपलाइन को नहीं जाता, लेकिन जो दूसरा स्लॉट है यहाँ से आप तीसरा बंदा जैसे आएगा उसका 50-50 हो जाएगा, यानी 50% आपको मिल जाएगा और 50% आपके स्पॉन्सर को अपलाइन को, यानी सेकंड अपलाइन को, आपको जो लेके आए उनके अपलाइन को चला जाएगा। अब उनका जिस पोजिशन पे खाली होगा वहां पे उनको मिलेगा। चौथा बंदा यहाँ भी रिसाइकल होगा और रिसाइकल होगा होने के बाद ये आपके स्पॉन्सर को चला जाएगा, उनका जहाँ पे जिस जगह पे उनका पोजीशन खाली होगा उस जगह पे जाके लग जाएगा। आप कभी भी ये नहीं सोचिए कि हमेशा वो दूसरे नंबर पे जाके लगेगा, उनको 100% नहीं मिलेगा, लेकिन ये हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको कि उनको जिस जगह पे उनका जगह खाली होगा वहां पे जाके आईडी लग जाती है। अब बात करेंगे हम तीसरे और चौथे, सेम उसी कंडीशन में काम करता है, लेकिन सेम मैं नहीं बोलूंगा, सेकंड जो है वो सेम काम करता है। जब सेकंड कोई भी आपका बंदा लेता है एबीसीडी में से, जो सेकंड और थर्ड लेता है, तो यहाँ पे आपकी दो आईडी प्लस हो जाती है और वहां पे आपको दो आईडी प्लस होगी, प्लस 50% इनकम ही होगा। और तीसरा बंदा आएगा 100%, दूसरा आएगा 100%, तीसरा आएगा फिर से 50-50% और चौथा का फिर से रिसाइकल। लेकिन जो चौथा जो स्लॉट है यहाँ पे पहले व्यक्ति से 100%, दूसरे व्यक्ति से 100%, यहाँ पे क्योंकि आईडी प्लस नहीं होती तो हमेशा चौथा में पहला और दूसरा से आपको 100% मिलेगा, तीसरा से 50% मिलेगा और चौथा का रिसाइकल होगा। पांचवें और छठे में आपको तीन तीन व्यक्ति से फायदे मिलता है। पांचवें स्लॉट में आपके पहले से आपकी आईडी प्लस हो जाती है, यानी E5 प्लस पे चले जाते हैं और दूसरे बंदे और तीसरे बंदे से फुल 100% आपके बटुए में आ जाता है, यानी आपका जो डिजिटल वॉलेट है उसमें आ जाता है। छठा भी इसी तरह से काम करता है, पहला व्यक्ति जब आपके छठे स्लॉट में आएगा तो उससे आपकी EG4 में एक आईडी चली जाती है और दूसरा तीसरा जब आप छठे स्लॉट लेके आएंगे, चाहे नीचे से कैसे भी आएंगे, चाहे रीजनरेशन होके आएंगे, चाहे रिसाइकल होके आएंगे, वो आपको 100% देके जाएंगे, यानी दूसरा और तीसरा आपको 100% देगा। सबसे खूबसूरत प्लान मैं सबको इसलिए बताता हूँ कि कोई भी वर्क करे तो पांचवें और छठे स्लॉट से काम करें, क्योंकि उनको भर भर के पैसा वर्किंग से भी आता है और सामने वाले बंदे को भी फायदा होता है कि उसको एक बार में ही बंदा, अगर पांचवें से स्टार्ट करते हो तो एक बार में बंदा कि पांच आईडी चली जाती है E5 में और एक आईडी चली जाती है E5 प्लस में। अगर 10 बंदा छठे स्लॉट से स्टार्ट करता है तो उसकी जो स्टार्टिंग के तीन नॉन वर्किंग है सभी में चले जाते हैं और वन टाइम ही तो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, बार बार तो स्लॉट को अपग्रेड नहीं करना है कि आपको आईडी में जाना है। आप छठे स्लॉट से स्टार्ट करें, मैं हमेशा बोलता हूं, मैं तो वही वर्क करता हूं कि पांचवें और छठे पे बात करता हूँ कि पांचवें से आएंगे तो आपको तीन नंबर, दो नॉन वर्किंग में जाएंगे, छठे पे आएंगे तीनों में चले जाएंगे, यानी E5 में भी चले जाएंगे, E5 प्लस में भी चले जाएंगे और EG4 में भी चले जाएंगे। यानी आपको 7 BNB भी मिलेगा, 144 भी मिलेगा और 610 भी मिलेगा। तो हम क्यों नहीं स्टार्ट करेंगे छठे स्लॉट से 10,000 लगा के। तो यहाँ भी मैं बात करूंगा सेम इसी तरह से, अगला जो सातवां आठवां नवां दसवां है ये वर्क करता है कि हर पहले व्यक्ति से आपको आईडी मिलने वाली है, लेकिन सातवें स्लॉट से संधार आपको बात करूं, सातवें स्लॉट में पहला व्यक्ति आता है तो आपकी दो आईडी प्लस हो जाती है और 50% इनकम हो जाता है। आठवें स्लॉट में अगर पहला ही व्यक्ति आता है तो आपको यहाँ पे 20% ही आईडी में लगने जाती है, दो आईडी लगती है और 80% आपको पैसे आ जाते हैं। इसी प्रकार से नौवें स्लॉट में भी आपको 80% आ जाते हैं, लगभग 20% डिडक्ट होते हैं पहले व्यक्ति से और सेकंड से तो हमेशा 100% है। तो ये संधार प्लान है और अब इसको देखते हैं पूरे तरीके से कैसे हमारा स्लॉट काम करता है और कैसे आईडी, जो मैं के पहले आपको बता दिया था, मैं हर चीज पहले ही आपको बता दे रहा हूँ तब आपको सामने आ रहा है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो मैं बात करूंगा यहाँ पे
कि आपकी चार का साइकिल है और चार के साइकिल से आप पहले साइकिल से ही एक चार ही बंदे एक स्लोट से 12वें स्लोट तक जाते हैं, तो आपको 57 पॉइंट, आप नीचे देखेंगे 57.17 बीएनबी देखे जाते हैं चार ही लोग। और ये 57.17 बीएनबी कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि यहाँ पे क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, क्वालिटी के चार लोग चाहिए आपके साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। अब देख लीजिए कि क्वालिटी के कितने साइकिल आप बना सकते हैं, हर साइकिल से आपको 57 बीएनबी मिलने वाला है, क्योंकि ये तो कम नहीं होगा, ऐसा ज्यादा हो सकता है, ज्यादा ही हो सकता है, कम होने का चांस अब नहीं है, अब कम होने का चांस 2028 में आएगा। तो मैं बताना चाहूंगा 57 बीएनबी के अगर 25,000 जो आज रेट 26,000 चल रहा है, तो लगभग 14,30,000 की इनकम हो जाती है पहले ही साइकिल से। और आप जितने भी नॉनवर्किंग के आप देख रहे हैं ऑटो पोल जो मैं आपको गिनती करा रहा हूँ वो देख लीजिए, जो शुरू के आप पहले ही, मैं आपको जो पहले फर्स्ट में आप पहला व्यक्ति को रेफर करते हैं तो आपकी एक आईडी चली जाती है, दूसरा में वही व्यक्ति एक जाता है तो आपकी एक आईडी और प्लस हो जाती है, वही व्यक्ति अगर तीसरा स्लॉट लेता है उसी साइकिल में से कोई भी व्यक्ति, तो आपकी दो आईडी और प्लस हो जाती है फाइव में, यानी चार आईडी प्लस हो गई और एक आपकी खुद की है ही तो पांच हो गई। उसके बाद बात करूंगा कि आपको एक से पांच से और 12वें 11वें तक जाते जाते, 5 से 11वें तक जाते जाते आपकी 17 आईडी 5+ में चली जाती है, क्योंकि ये हर, मैं जो आपको अभी बता रहा था कि पांचवें में आपकी एक आईडी चली जाती है, फिर 7वें से 2, 8वें में 2, 9वें में 4, 10वें में 4 और 11वें में 4, यानी पहले व्यक्ति से इतने सारे ऑटो पुल में चले जाते हैं। तो आप हमेशा कोशिश करिए कि आप जिस पोजीशन से आ रहे हैं उस पोजीशन का फटाफट, चाहे एक घंटे के अंदर या एक दिन के अंदर, एक बंदे को रेफर अपने पोजीशन का जरूर कर दीजिए, ताकि आप ऑटो पुल में जा सके फटाफट, जितना जल्दी हो सके। लेकिन प्लान को समझिए, उससे पहले मैं बोलूंगा कि आप बोलिए कि मेरी पहले आईडी ओपन कर दीजिए, और जिस पोजीशन से आप आ रहे हैं उस पोजीशन से अगर आपको ऑटो पुल में आगे रहना है, क्योंकि ऑटो पुल में बार बार कहता हूं कि पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पे होता है, तो आप ऑटो पुल में आगे रहने के लिए आप घर की ही एक आईडी लगा के उसको आगे तक लेके जा सकते हैं, उसके बाद वर्क करके और आगे फिर उस पैसे को मेंटेन करते रहिए। तब तक मैं कहूंगा कि उससे कहीं ज्यादा आपको ऑटो पुल आ चुके होंगे नॉन वर्किंग का ही, क्योंकि जो रेशियो अभी चल रहा है 2 महीने के अंदर लगभग ऑटो पुल आ रहे हैं, क्योंकि मेरे आए हुए हैं, मैं उसी बेस पे बात कर रहा हूँ। तो आपको बात करूंगा, आप 6ठे स्लॉट से स्टार्ट करते हैं तो आप PG4 में आईडी चली जाती है, जो मैं आपको पहले बताया, अभी भी बता रहा था कि आप 6ठे स्लॉट से स्टार्ट खुद करें, जो कि 10,000 कुछ लगता है आज के डेट में, और एक व्यक्ति को रेफर करें, या तो इन्वेस्टर है तो घर में एक और आईडी लगा दें, ताकि आप ऑटो पुल में आगे जाएं। उसके बाद आपकी 12वें स्लॉट तक जब पढ़ते हैं, चाहे एक एक करके जाएं या एक बार में जाएं, विक्टर क्लब में भी पढ़ चले जाते हैं और एक आईडी E3 प्रीमियम में भी चली जाती है। ये प्रीमियम क्वालिटी की नॉन वर्किंग है, और क्यों है मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे 5 किस्तों में और मात्र 3 की मैट्रिक से मिलती है। विक्टर क्लब में जाना बहुत आसान है, लेकिन इसकी वर्किंग का, वर्किंग से बेस्ट आपकी नॉन वर्किंग में बहुत जल्द ऑटो पुल आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अभी क्वांटिटी बहुत कम है विक्टर क्लब में, तो जो जितना जल्दी चाहेंगे अपना जगह अपना स्थान बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी वही लागू होता है पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पे, तो जो पहले है उनको पहले मिलेगा, जो बाद में आएंगे उनको बाद में मिलेगा, मिलेगा जरूर, मिलना तो तय है, क्योंकि वर्क यहाँ पे आपको पता है कि 19,000+ आईडी लग चुकी है और बहुत तेजी से वर्क हो रहा है। मैं अपनी अपनी बात करूँ टीम के, तो लगभग बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो 6 स्लॉट से हैं, 8 स्लॉट से हैं, 10 स्लॉट से हैं, 11 स्लॉट से, 12 स्लॉट से। मैं अपनी टीम में बात करूँ तो कम से कम मैं कैलकुलेशन किया था आज से 4-5 दिन पहले, 23 लोग हैं 12 स्लॉट से, 23 लोग जो हैं वो 12 स्लॉट से मेरी टीम में ऑलरेडी आ चुके हैं। और इस महीने का टारगेट था कि 100 लोगों तक जाना है, तो अभी इस महीने अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत बाकी है और बहुत कुछ होने वाला है। तो मैं बात करूंगा कि आपके रीजनरेट यहाँ से कैसे होती है आईडी, वो आपको पहले भी बताया था वर्किंग में, कि आपके पैसे में से जो फर्स्ट बंदा आता है उससे डिडक्ट होके, जो आप देख रहे हैं वो बीएनबी डिडक्ट होके और आपकी आईडी रीजनरेट होती है, और 57 बीएन की आपकी प्रॉफिट होती है। विक्टर क्लब में आप यहां से चले जाते हैं, जब 12वें स्लॉट तक चले जाते हैं तो आप विक्टर क्लब में जाते हैं, लेकिन 12वें स्लॉट तक आप हैं और आपके नीचे एक व्यक्ति 12वें स्लॉट पे पहुंचता है, तब आप विक्टर क्लब अचीवर बनते हैं। अब मैं बात करूंगा E3 प्रीमियम में, E3 प्लस की बात करूंगा मैं, कि आप की आईडी कैसे प्लस होती है वो आप देख सकते हैं। सॉरी, E5 प्लस में जाने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको एक साथ, जो मैं पहले ही बताया था आपको, आपको एक साथ 0.01 लगता है BNB, और आज की बात करूं लगभग INR की बात करूं तो आज के डेट में लगभग 5,200 से 5,300 रुपए लगेंगे, जो आज का जो रेट है BNB का वो 5,200 से 5,300 लगेंगे, जो कि आप एक बार में बाय कर सकते हैं। जो वर्किंग की बात कर रहे हैं E3+ में, 1 से 5 स्लॉट तक जा सकते हैं आप 5,200 रुपए लगा करके, और आप एक व्यक्ति को रेफर करेंगे तो आपकी आईडी E5+ में चली जाएगी।
और आपको दिख रहा है कि ऊपर ये जो कैलकुलेशन है 25,000 के ऊपर है, लेकिन आज के रेट से आपको लगभग 5200 प्लस लगेंगे। अब मैं बात करूंगा कि E5 प्लस में वर्क कैसे करता है, जो आपको पहले ही बताया था E5 का, सेम उसी पैटर्न पे काम करता है E5 प्लस, लेकिन आपकी क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। वहां पे आपको 7.205 BNB मिल रहा था और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 144 BNB, यानी दूसरा और चौथा बंदा आता है तो आपको आपकी पहले इंस्टॉलमेंट आ जाती है, यानी 0.02, जो लगभग आपका अमाउंट लगता है यहाँ 5वां स्लॉट करने के लिए, उसके दुगुना आपके पैसे पहले ही इंस्टॉलमेंट पे आते हैं, जो कि मैं बात करूँ तो मेरी आईडी पे 14 आईडी पे मेरी आ चुकी है पहला इंस्टॉलमेंट। सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, पहले तीसरे और पांचवें पे जो बंदा ग्लोबली आएगा तो आपके वहां के अपलाइन को ये 0.03 चला जाएगा और आपकी आईडी अपग्रेड हो जाएगी सेकंड स्लॉट के लिए, जो कि मैं उसमें भी बता रहा था 0.03 से सेकंड स्लॉट अपग्रेड हो जाएगा और आपका जब प्रॉफिट होने वाला 1.5 उसमें से फिर से 0.90 फिर से अपग्रेड होगा नेक्स्ट स्लॉट तीसरे के लिए और आपका दूसरा किस्त आ जाएगा 0.60 जो पहला आया उससे 3 गुना। उसके बाद बात करूंगा तीसरा स्लॉट भी 0.90 आपको वहां के अपलाइन को जाता है उसमें से अपग्रेड हो जाता है और आपको प्रॉफिट मिलता है 4.50, इससे भी डिडक्ट हो जाएगा ऑटो अपग्रेड के लिए 2.70 और रीजनरेट के लिए भी 0.40 डिडक्ट होगा और यहाँ से तीसरे किस्त में जो आपके आ रहे हैं 1.40, उसके बाद यहाँ से आपकी रीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है, रीजनरेट हो जाती है आईडी चार और चार आईडी फिर से नॉन वर्किंग में आपकी यहाँ पे और प्लस हो जाती है, यानी कि सेम वही कंडीशन है जब E5 का प्लस का पहला आईडी का जब चौथा किस्त आएगा तो आपके जो रीजनरेट हुए हैं चार आईडी उस चार आईडी का फिर से आपको पहला किस्त आ जाएगा और पहला किस्त देखिए 4×8 यानी 0.8 BNB होगा। इसी प्रकार से अगर पांचवा किस्त आपका आएगा तो पांचवा किस्त तो उसका आएगा ही आएगा, तब तक आपकी 8 आईडी रीजनरेट हो जाएगी। उसके पांचवे किस्त आएंगे तो आपके पहले रीजनरेट जो हुए हैं उसके दूसरे किस्त आ जाएंगे और अब जो रीजनरेट हुए थे चौथे में उसका पहला किस्त आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन जो है कभी खत्म नहीं होने वाला है और आपका जिस भी नॉन वर्किंग में जा चुके हैं वो आपका आईडी कभी खत्म नहीं होने वाला है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। और आपके इनकम समझिए कि आप पौधा लगा चुके हैं, आम का पौधा लगा चुके हैं, जब उसका सीजन आएगा जब वो फलेगा आपको आता रहेगा, इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी से पूछने की जरूरत है। आप पर डे देख के अनुमान लगा सकते हैं कि आपके ऑटो पुल कब आने वाले हैं, आपको किसी अपलायंस से पूछने की जरूरत नहीं है कि कब मेरे ऑटो पुल आएंगे, क्योंकि यहाँ पे एकदम ट्रांसपेरेंस है, पारदर्शित है। आप चेक कर सकते हैं ब्लॉकचेन पे जाके कितने लोग पर डे आ रहे हैं कौन से स्लॉट से, एक मेंटेन कर सकते हैं अपने रजिस्टर में कि आज कितने E5 वाले कितने लोग आए, कल EG4 वाले कितने लोग आए, 6 स्लॉट वाले कितने हैं, 7 वाले कितने हैं, आपको अगर देखने आता है तो आप वहां से देख के नोट डाउन कर सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं आपको कितने दिन। मैं अनुमान लगाता हूं उसके एक दिन पहले ही आ जाता है मेरा ऑटो पुल। मैं अभी बात करूं चार आईडी के, मैंने अपने E5 प्लस की चार आईडी की मैंने सोचा था कि 26 को आएगी लेकिन वो 25 को ही चार आईडी का मेरा 0.8 BNB 25 को ही आ गया। मैं सोचा था कि 26 को आएगा क्योंकि अपने कैलकुलेशन में कर लेता हूं कि कब मिलने वाला है और नेक्स्ट चार का मैं फिर से कैलकुलेशन कर लिया हूं कि फरवरी मंथ में मुझे चार आईडी पे 15 तारीख तक आ जाएगा और वो 100% आ जाएगा क्योंकि वर्किंग हो सकता है उससे पहले आ जाएगा, क्योंकि वर्किंग और बढ़ेगा घटेगा नहीं। तो आप कभी भी नॉन वर्किंग के लिए मत सोचिए, आप अपना सोचिए कि कितने आईडी प्लस कर पाते हैं आप और कितनी वर्किंग कर पाते हैं। आपको नॉन वर्किंग का तो ऑटोमेटिक आएगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो आपकी यहाँ पे भी 1 से 6 किस्त आते आते आपकी 16 आईडी रीजनरेट हो जाती है और 16 आईडी पे फिर से आपको मिलती है 16 का फिर से 16 16 होता है यानी 256 256 का फिर से 16 16 यानी 4096। आपकी मल्टीफिकेशन सेम नंबर की आईडी की इतनी मल्टीफिकेशन हो जाएगी आईडियों की कि आप सोचते रह जाएंगे। और मैं एक चीज जरूर यहाँ पे बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं कि क्यों फास्ट होगा ऑटो पुल। पहला अगर मान लीजिए E5 प्लस के आपको 2 साल लगते हैं, 2 ईयर्स लग जाते हैं 6 किस्त आने में, तो अगला जो 16 आईडी पे आने वाला है वो 1 साल में आ जाएगा। अब सोचिए क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि पहली आईडी जो है 144 BNB जो 6 किस्त मिलेंगे 2 साल में, वो 1 लाख लोग मान लीजिए होते हैं लेने वाले 144 BNB, तो 16 लाख आईडी रीजनरेशन हो जाएगी। जब रीजनरेट 16 लाख आईडी होगी मल्टीप्लिकेशन होगा तो सोचिए ऑटो पुल कितना फास्ट होगा। जो हम 2 साल बोल रहे हैं वो 1 साल नहीं और 6 महीने में आपको अगला 16 आईडी पे मिलने वाला है। तो आप जितना ज्यादा वर्क करेंगे जितना तेजी से करेंगे आपको पैसे आने वाले हैं, इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे रीजनरेशन के कमाल है और रीजनरेशन जो सिस्टम में बना हमारा प्रोग्रामिंग किए हैं उनको भी मैं बार बार कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा कि कहां से उनके पास ऐसा सुबुद्धि आया। वो विजनरी पर्सन ही है तभी ऐसा प्रोग्रामिंग जो ब्लॉकचेन के ऊपर दिए हैं कि बिल्कुल आप क्लियर एंड क्लीन है, बिल्कुल आप सब देख सकते हैं कि कैसे हमें पैसे मिलने वाले हैं। अब सोचिए यहाँ पे एक ही आईडी पे आपको 144 BNB मिलता है जो कि 25,000 के गुणांक से 36 लाख प्लस होते हैं। हम कौन सा फ्यूचर में कौन सा वर्क कर रहे हैं मुझे नहीं पता कि इस मंच पे कितने लोग हैं जो वर्किंग कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं,
जो चीज आपका वहां मेंटेन करते आ रहे हैं वो अपग्रेड नहीं कर पा रहे, वो चीज आप यहाँ से कर सकते हैं और पार्ट टाइम करके कर सकते हैं, आपको फुल टाइम करने की भी जरूरत नहीं है। चार ही व्यक्ति की तो लाना है आपको, चार ही का साइकिल तो बनाना है, और वो ऐसे व्यक्ति को बनाना है कि जिंदा हो, मुर्दे लोगों का नहीं लाना है यहाँ पे, एक्टिव लोग लाना है। आपकी जो भी टीम है, आपकी जो भी नियर डियर है, उसमें से एक्टिव लोग को ढूंढ लीजिए, चार लोग, और डाल दीजिए अपने डाउन में और देखिए क्या होने वाला है। तो पहले ही आईडी पे आपको 36 लाख प्लस प्लस आपकी 16 आईडी फिर से रीजनरेट हुई है, उस पर भी आएंगे किस्तें। हो सकता है जब आपका ये 6 किस्त में 36 लाख रुपए 144 बीएनबी आए होंगे, तब तक 16 आईडियों पे भी आपके 12 आईडियों पे भी बहुत सारे पैसे आए होंगे। तो ये 2 साल में 36 लाख नहीं, आपको कहीं ज्यादा मिलने वाले हैं। हम तो सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आपको ये मिलेगा, लेकिन उससे INR में उससे कहीं ज्यादा मिलेगा, लेकिन आपको मिलेगा क्या 144 बीएनबी, और बाकी हर आईडियो पे 144 बीएनबी मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं EG4 का। EG4 भी सेम, EG4 में जाने के लिए आपको क्या करना होता है, या तो एक एक करके आप जाइए छठे स्लोट तक, या एक व्यक्ति को एक एक करके ले जाइए छठे स्लोट तक, या एक बार में ही आप छठा स्लोट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, EG4 में जाने के क्या करना पड़ेगा आपको, E3 प्लस में यानी वर्किंग में आपको 0.38 से स्टार्ट करना होगा, यानी कि लगभग 10,500 आज के रेट से। और मैं बात करूंगा आप EG4 में चले जाएंगे, लेकिन एक व्यक्ति को आपको सेम पोजीशन का रेफर करना होगा तब जाएंगे। कहीं आप सोच रहे हो कि मैं 10,000 रुपये लगा दिया तो मैं EG4 में चला गया, नहीं दोस्तों, आपको सेम स्लॉट का एक बंदा रेफर करना होगा, या आपको आपकी जानकारी में कोई है तो उनको रेफर कीजिए। अगर आपकी जानकारी में नहीं है और फटाफट इसमें जाना चाहते हैं तो आप घर में एक और आइडिया आप 10,000 का लगा सकते हैं और आप नन वर्किंग में अपना पहला स्थान रख सकते हैं। तो ये वर्क कैसे करता है, ये चार की मैट्रिक से करता है ग्लोबली। आप आए और आपके बाद चार लोग जब आपके नीचे आते हैं, जब आपका नंबर आता है, तो आपको उसमें से दूसरे और चौथे का आपके पास 100% आता है, यानी 0.04 क्योंकि पहले एक व्यक्ति का 0.2 लगता है, तो दो व्यक्ति आपके पास आए 0.02 लगाए तो उनका 100% आपको आपके बटुए में आ जाता है, और दो लोगों का पहले और तीसरा जो है आपके वहां के अपलाइन को ये 0.4 उनको चला जाता है। यानी वहां के अपलाइन, पहले भी आपको समझाया था कि EG4 का आपकी आईडी जहां जाके लगा होगा ये वहां के अपलाइन को मिलेगा, कहीं आप ऐसा ना सोचें कि आपके अपलाइन जो यहां लेके आए वर्किंग में उनको चला जाएगा, नहीं, क्योंकि EG4 जो है और E5 प्लस जो है ये आप किसके नीचे जाके लग रहे हैं ये आपको नहीं पता चलेगा, ये सिस्टम जनरेटेड है, जहां पे आपका मौका आपका जगह बनेगा वहां जाके ऑटोमेटिक लग जाएगी, और जैसे आपका नंबर आएगा आपको आएगा 100%, ये हमेशा सोच के चलिए। अब वो काम कैसे करता है चार की गुणांक में, ये देखेंगे आप कि आप पहला तो आपको मिल गया, आप बता दिया, सेकंड भी वही आपको 0.04 से ऑटो अपग्रेड होकर अगला स्लॉट अपग्रेड हो जाता है, और आपको दूसरा किस्ती मिल जाता है फिर से 0.80, और ये चार के गुणांक में आपको मिलता रहेगा। और फिर यहाँ से भी वही स्टार्ट होता है, तीसरे जब इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगा आपका तो वहां से दो दो आईडी रीजनरेट होगी, और रीजनरेशन यहाँ से जब हो जाएगा तो आपके फिर से 1 से 10 किस्त जब कंप्लीट होंगे तब तक आपके 16 आईडी रीजनरेशन यहाँ से हो जाएगी, रीजनरेट हो जाएगी, और वो 16 आईडियों पे फिर से आपको क्या मिलने वाला है, तो सेम ऐसे ही आपको किस्त मिलते जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात है, अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत बड़े पैसे बनते हैं, तो इसलिए लोगों को विश्वास नहीं होता है। जैसे आप 10 किस्त आती है आपको 16 आईडी रीजनरेशन हो जाती है, और आपको इनकम की बात करें तो ये 610 बीएनबी आपको मिल जाता है आपके बटुए में, और हमेशा बीएनबी ही मिलेगा। अगर 25,000 से भी कैलकुलेट करते हैं तो ये करीब 1.52 करोड़ प्लस होता है, 1.5 करोड़ से ज्यादा होता है। और सोचिए जब तक आपको 1.5 करोड़ मिला, 10 किस्त मिले हैं, तब तक आपकी 16 आईडी फिर से बन गई है, 16 आईडियों पे फिर से 1.5 करोड़ मिलने वाले हैं। और ऐसा मुझे पता है कि आपकी जब 10 किस्त आएंगे तब तक इसमें से भी कुछ आईडियों के 8-8 किस्त आ चुके होंगे, तो सोचिए कितने पैसे आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि तीसरे किस्त से ही आपके यहाँ पे रीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। और तीसरे किस्त जब आपको चौथा मिलने वाला, तो उसका तीसरे वाले जो रीजनरेशन 2 आईडी हुई है उसके भी यहाँ पे करीब 8 किस्त उसके भी आ चुके होंगे, तो सोचिए कि कितना पैसा आने वाला है। मैं जो बोल रहा हूँ आपको ये बहुत कम बता रहा हूँ, बहुत कम बता रहे हैं एग्जांपल के तौर पे, कभी माइंड लगा के कभी रात को कैलकुलेशन करके देखिएगा कि आपकी एक आईडी की 10 किस्त मिलते मिलते आपको 1.5 करोड़ नहीं, आपको बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। और मैं मानता हूँ कि मान लीजिए 2 साल में 1.5 करोड़ जाते हैं, लेकिन 2 साल में 1.5 करोड़ नहीं, कई गुना ज्यादा जाने वाले हैं, क्योंकि पैसे इसका बढ़ने वाला है अमाउंट बीएनबी का, लेकिन बीएनबी की क्वांटिटी आपको ही मिलेगी, क्योंकि प्रोग्रामिंग ही ब्लॉकचेन के ऊपर है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। पैसे में बदलाव होता रहेगा, हर कंट्रीज के अलग अलग पैसे में बदलाव होता रहेगा, लेकिन बीएनबी में कोई बदलाव नहीं होना, आपको नॉन वर्किंग में भी और वर्किंग में भी। तो 16 आईडी पे फिर से आपको मिलेगी। अब बात करेंगे E3 प्रीमियम की, जो कि प्रीमियम क्वालिटी की हमारी चौथी नॉन वर्किंग है। इसकी बात करेंगे कि आपको यहाँ पहुंचने के लिए वर्किंग में E3 प्लस में आपको 12वां स्लॉट तक जाना होगा, या आप एक एक करके जाइए, या आप एक बार में जाइए,
एक बार में जाएंगे तो आप बहुत आगे रहेंगे, एक एक करके जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास मनी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले ही लॉस कर चुके हैं। तो लोग यहाँ भी देखते हैं उसी प्रकार से, क्योंकि नजरिया वही रहता है, सोच वही रहता है। लेकिन कभी जिस दिन आप पॉजिटिव सोच रहेंगे और जिस दिन आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी दिनचर्या भी बदल जाएंगे। तो मैं बात करूंगा कि आपको यहाँ पे E3 प्लस में आपको 12वें स्लोर तक जाना होगा, और 12वें स्लोर तक एक व्यक्ति को आपके रेफर वाले हो या आपके घर के डायरेक्ट वाले हो जाएंगे तो आप E3 प्रीमियम में पहुंच जाते हैं। और ये काम कैसे करता है, 3 की मैट्रिक्स से। पहले ही आपको बताया था कि ग्लोबली 3 की मैट्रिक्स से काम करता है। मान लीजिए आप E3 प्रीमियम का आप क्वालिफायर हो गए, हो चुके हैं, और आपके बाद वर्ल्ड से कहीं से भी 2 लोग 3 लोग आते हैं इस साइकिल में। 3 लोग जैसे आते हैं तो आपको पहले और दूसरा और तीसरा यहाँ पे व्यक्ति आएंगे, उसमें से दूसरे व्यक्ति के आपको पूरा का पूरा 5 BNB आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो इसका है प्रीमियम क्वालिटी का, इसलिए हम लोग कहते हैं कि 5 BNB मिलता है, यानी लगभग आज के रेट से मैं बता दूं तो ये 1.25 लाख प्लस होते हैं पहला ही किस्त। और ऐसा कोई मैंने अभी तक ऑटोपोल में नहीं देखा कि आपको इतने पैसे देने वाले सिस्टम हो और इतने पारदर्शित हो कैलकुलेशन में। जब पहले और तीसरे व्यक्ति आते हैं आपके नीचे ग्लोबली, तो आपके वहां के अपलाइन को ये पैसा 100% 10 BNB वहां के अपलाइन को चले जाते हैं, जहां आपकी आईडी E3 प्रीमियम का लगा हुआ वहां के अपलाइन को चली जाती है, और उससे आपकी ऑटो अपग्रेड हो जाती है सेकंड स्लॉट के लिए। सेकंड स्लॉट अपग्रेड हो गई, अब जैसे साइकिल चलेगी, अब वो साइकिल के नीचे जब आते जाएंगे लोग, हर साइकिल के नीचे 15 15 के नीचे जब 3 2 2 लोग आएंगे आपके, क्योंकि अब 2 2 लोगों से आपको आने वाला है, तो जैसे 30 लोग आएंगे तो 30 लोगों से आपको मिलेगा, यानी प्रॉफिट जो आने वाला है 30, और 30 में से 20 डिडक्ट हो जाएगा आपको ऑटो अपग्रेड होने के लिए नेक्स्ट लोड, और आपको दूसरा किस्त 10 BNB, यानी दूसरा किस्त 2.5 लाख प्लस आने वाले हैं। उसी प्रकार से तीसरा स्लॉट आपको 20 BNB से ऑटो अपग्रेड हो जाएगा और 60 BNB प्रॉफिट होने वाले हैं। उस 60 BNB में से फिर से आपको 40 ऑटो अपग्रेडेशन में जाएगा और 15 BNB आपको मिल जाएंगे। अब सोचिए यहाँ भी खूबसूरती क्या है, फिर यहाँ से भी आपको रीजनरेट होती है। लेकिन मैं यहाँ एक चीज क्लियर करूंगा, E5 और E5 प्लस और EG4 ये 3 एक पैटर्न पे काम करते हैं, लेकिन जो E3 प्रीमियम है ये अलग पैटर्न पे काम करता है। यहाँ पे 16 ID रीजनरेट नहीं होती, यहाँ पे 3 ID होती है, और तीसरे किस्से यहाँ पे एक एक ID रीजनरेट होती है, और चौथे और पांचवे पे यानी 3 ID यहाँ पे रीजनरेट हो जाती है। और सोचिए यहाँ पे 5 ही किस्त में आपको 300 BNB मिल जाता है। और मैं बात करूं कि ये बहुत ही खतरनाक कैलकुलेशन है, और ये 5 BNB आपको अगर आज के डेट में विक्टर क्लब में पहुंचते हैं तो ये मुझे लगता है कि 1 साल भी नहीं लगेगा आपको 5 किस्त आने में, क्योंकि बहुत तेजी से लोग आने वाले, आने वाले टाइम में। तो आप जितना जल्द से हो सके आप अपने आप को विक्टर क्लब अचीवर में जाएं और E3 प्रीमियम में जरूर जाएं, क्योंकि बहुत जल्द क्वांटिटी यहाँ फिल होने वाली है। तो आप देखिए 300 BNB की बात करें जो 5 किस्त में मिलने वाली है आपको, 5 इंस्टॉलमेंट में मिलने वाली है, ग्लोबली मिलने वाली है 3 की मैट्रिक्स से, ये आपको 25,000 से भी अगर कैलकुलेट करते हैं तो आपको 75 लाख प्लस होते हैं, और ये छोटा मोटा रकम नहीं होता। लेकिन ये एक आईडी की बात कर रहा हूँ जो आपको रीजनरेट हुई है, उनका भी 2 2 1 1 किस्त आ चुका होगा, तब तक करोड़ों में पहुंच जाएंगे आप। अब मैं बात करूंगा कि ग्रांड प्रॉफिट की बात हम लोग थोड़ी कर लेते हैं कि पहला साइकिल जो आप 4 लोगों का साइकिल जो होता है उनसे क्या आपको इनकम मिलती है। तो पहले साइकिल से E3 प्लस में यानी कि वर्किंग वाले में आपको 57 BNB मिलती है, E5 में आपको 7.205 BNB, E5 प्लस में आपको 144.10 BNB, EG4 में 610.80 BNB, E3 प्रीमियम में 300 BNB, और टोटल की बात करें तो 1119.275 यानी 1119.275 BNB, यानी 25,000 के हिसाब से कर लीजिए तो ये हो जाता है 2 करोड़ 75 लाख। और ये छोटा मोटा रकम नहीं है, 2 करोड़ 75 लाख कमाने के लिए अगर लाख रुपए की सैलरी हो तो मुश्किल होता है बचाना, और सोचना और समझना तो नामुमकिन ही है। तो ये चीज मुमकिन यहाँ पे है 100%, लेकिन हम जिस भी बिजनेस में लगे हुए हैं या जॉब में कर रहे हैं हमें मुमकिन नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे मुमकिन है 100% है। आप कभी कैलकुलेट करके देख लीजिएगा प्लान को। मैं बात करूंगा कि यहाँ पे रीजनरेशन की क्या खूबसूरती है। आपकी E3 प्लस में 4 ID E5 में मिलता है आपको, और E5 के 16 ID रीजनरेट होती है, तो आपको टोटल 20 ID यहाँ पे मिल जाते हैं फर्स्ट में ही। और E5 प्लस की बात करें तो E3 प्लस से वर्किंग करके आपकी 17 ID प्लस होती है, और E5 प्लस में 16 ID रीजनरेट होती है, तो आपको यहाँ पे 33 ID मिल जाती है। और EG4 में E3 प्लस से कमाते हैं आप 1 ID, और उससे रीजनरेशन होती है, रीजनरेट होती है ID 16, यानी कि 17 ID यहाँ पे भी आपको टोटल मिल जाती है। अब आपको साइकिल देखना है कितना बनाना है। E3 प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पे E3 प्लस से आपको 1 ID मिलती है, जिसपे की 3 ID जो आपको हम पहले ही बताए हैं रीजनरेट हो जाती है, और ये 4 ID आपके प्लस हो जाते हैं आपके पास। अब मैं बात करूंगा थोड़ा सा कैलकुलेशन पे, अगर मैं तो कहूँ तो कैलकुलेटर भी चलता। मैं बात करूँ E5 में
16 आईडी आपकी रीजनरेशन हुई है, और 16 आईडी पे आपको फिर से, पहले आईडी पे मान लीजिए आपको लगता है 1 से 1.25 साल चेक किसाने में, तो 16 आईडी पे आपको अगला 1 साल ही, 1 साल भी नहीं लगेगा। और 16 आईडी की अगर गुना करें 7.205 तो लगभग 115 BNB होता है, और पैसे में बात करूँ 25,000 के हिसाब से भी तो लगभग 28 लाख प्लस होते हैं, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। लेकिन ये सिलसिला यहाँ भी खत्म नहीं होगा, यही इसकी पावर है कि 16 आईडी का फिर से 16-16 रीजनरेशन होगा, और 256 आईडी पे फिर से आपको 7.205 BNB यानी 1844 BNB मिलने वाले हैं, और वो उससे भी कहीं फास्ट मिलने वाले हैं। और 1844 का अगर गुणांक कर लीजिएगा 25,000 से, तो अमाउंट बनता है लगभग 4 करोड़ प्लस, यानी 4.5 करोड़ प्लस बनता है वो 25,000 के हिसाब से। लेकिन ये सिलसिला यहाँ भी खत्म नहीं होगा, 256 आईडी का फिर से 16-16 रीजनरेशन होगा, और फिर से 4096 अकाउंट बन जाएंगे, और 4096 अकाउंट पे फिर से आपको मिलने वाले हैं। अब सोचिए कि कितना मिलने वाले हैं, 4096 पे फिर से आपको 7.205 BNB मिलने वाले हैं, और जो आज मिल रहे हैं उससे कई गुना फास्ट मिलने वाला है, जो कि मैं पहले बता चुका हूं, जब 1 लाख लोग यहां से 7.205 BNB लेके निकलेंगे तो 16 लाख आईडी रीजनरेशन हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक फास्ट मिलेगा। और इसी पैटर्न पे सारे रीजनरेशन काम करते हैं जो आपको पहले ही पता चल चुका है। अब मैं बात करूंगा जो हमारे EVR कॉइन जो है, हमारे एवरग्रीन का जो क्रिएटर है, हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट, हमारे बारे में और आगे के लिए उन्होंने सोचा है, जो अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाला जो प्रोजेक्ट है वो EVR कॉइन है। और बड़ी सोच, यहाँ भी देखिए, कोई सोचता है टोकन लाने के लिए दूसरे के ब्लॉकचेन पे, ये खुद पहले ही सोच रहे हैं कि हम EVR कॉइन लेके आएंगे, यानी खुद का ब्लॉकचेन भी होगा, EVR स्वैप, EVR वॉलेट, EVR एक्सचेंज लिक्विडिटी के साथ। सोचिए कितना बड़ा विजन है इनका, कितना बड़ा सोच है। तो यहाँ पे ये भी बहुत बड़ी बात है कि अपकमिंग प्रोजेक्ट है, लेकिन इसका आपको फायदा लेने के लिए आपको पहले जो EG4 में पहुंचने वाले लोग हैं, वो 25,000 लोग जो क्वालिफाई होंगे EG4 के, उनको सभी को 250 EVR पॉइंट मिलने वाला है। अब मैं बात करूंगा, ये 25,000 नोट कर लीजिएगा आप लोग, शुरू के 25,000 क्वालिफाई जो होंगे EG4 वाले, उनको 250 पॉइंट मिलने वाले हैं EVR का। हम अभी इसको यूज तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे इसकी लॉन्चिंग होगी, लिस्टिंग होगी, उस दिन सबसे पहले मौका हमें ही मिलेगा। हो सकता है वो आज इसकी वैल्यू $1 की है, और $1 की 250 की बात करें तो लगभग 20,000 से प्लस होते हैं, ये आपको मिल जाता है भी। आप लगाते हैं 10,000 EG4 में जाने के लिए, लेकिन 20,000 का आपको यहाँ पे बेनिफिट भी मिल जाता है। और आने वाले टाइम मान लीजिए लिस्टिंग हुई और उसी दिन अगर $10 का गया, तो सबसे पहले मौका हमें मिलने वाला है, तो हम उसको और 10 गुना बना सकते हैं, यानी 20,000 को 2 लाख में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये भी पैसा हमारे लिए है। अब बात करूंगा जो शुरू के E3 प्रीमियम 1,000 लोग क्वालिफाई होंगे, उनको 5,000 EVR पॉइंट मिलने वाले हैं, यानी 5,000 को अगर 85 से भी कैलकुलेट करिएगा तो ये 5,000 प्लस 250, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको लगभग 5,250 EVR कॉइन मिल जाता है, और इसको अगर 85 से भी कैलकुलेट करेंगे तो 4.5 लाख प्लस होता है। और मैं फिर वही बात करूँगा, जिस दिन लिस्टिंग वगैरह 10 गुना भी हो गया, क्योंकि पहले मौका हमें ही मिलेगा, तो 4.5 लाख रुपये आपको 45 लाख दे सकता है, और ये आपको फ्री मिल रहा है, केवल आपको आगे जाने से, यानी पहले पहले आप आ रहे हैं तो इसलिए आपको ये फ्री में मिल रहा है। और इसकी कीमत आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है कि अभी इसको 1 पॉइंट की कीमत $1 की है, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, जो प्रोग्रामिंग है, सिस्टम है, वही बता रहा हूँ। अब मैं बात करूंगा इसका जो खूबसूरती प्लान है, बहुत सारे लोग इसके लिए भी आ रहे हैं, जेका फाउंडेशन के लिए। जेका फाउंडेशन में 3 फायदे हैं आपके, और जेका फाउंडेशन में मेंबर बनना पड़ता है आपको। जेका फाउंडेशन के मेंबर बनने के लिए आपको 4 डायरेक्ट करना अनिवार्य है। अब आप पूछेंगे 4 डायरेक्ट क्या 12 स्लॉट से, नहीं, एनी स्लॉट, आप पहले स्लॉट से भी आप आए हैं और पहला स्लॉट से भी 4 व्यक्ति को लेके आते हैं तो आप जेका फाउंडेशन के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन उसका मेंबर बनने के लिए आपको 5 BUSD पैड करना होता है, और 5 BUSD पैड करने के बाद आपको KYC करना होता है। KYC के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं इस तीनों फायदे के लिए, दो फायदे मिलते हैं उनके लिए, 3 फायदे कैसे मैं बताऊंगा। और नेक्स्ट ईयर आपको 3 BUSD से फिर से रिन्यू करना होगा, यानी कि फर्स्ट ईयर आपको 5 BUSD 400 रुपया, नेक्स्ट ईयर आपको हर साल लगभग 240 रुपया आपको लगने वाला है रिन्यू करने के, क्योंकि जो जेके फाउंडेशन है वो LIC के टैगलाइन पे काम करता है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अब मैं बात करूंगा कैसे 3 फायदे आपके। पहला फायदा है ग्लोबल फैमिली डेथ बेनिफिट, इसकी बात कर लेते हैं, ये कैसे कैसे काम करता है, इस पे लिखा हुआ है अगर आप देखना चाहेंगे, लेकिन मैं वर्बली आपको बता देता हूँ। मान लीजिए जेके फाउंडेशन में आज कुछ लोग होंगे, यानी अभी 19,000 मेंबर है तो कुछ लोग आए होंगे, लेकिन आने वाले टाइम में इसमें लाखों लोग मेंबर होंगे, लेकिन मैं 10,000 ही मान के चलता हूँ। अगर 10,000 ही मेंबर है और किसी भी मेंबर की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है, तो जितने भी जेके फाउंडेशन के मेंबर हैं वो 1-1 BUSD डोनेशन करेंगे, और फिर कहेंगे आप डोनेशन क्यों करेंगे, क्योंकि जो डोनेशन करेगा वही एलिजिबल होगा आगे लेने के लिए, तो हर आदमी करेगा। तो मान लीजिए 10,000 लोग अगर 1-1 BUSD डोनेशन करते हैं उस मेंबर को, मृतक के मेंबर को, तो अचानक से उसके फैमिली को 8,50,000 लगभग 85, मैं आज बात करूँ BUSD की वैल्यू 86-87 रुपये, लेकिन 85 मान के चलते हैं, तो 8,50,000 मिल जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है।
लेकिन ये तो मैं एक एग्जांपल दिया, हो सकता है 1 लाख लोग हों और 1 लाख यूएसडी मिल जाए तो करोड़ रुपए होंगे, तो इसमें बहुत सारे लोगों को लालच भी होगा। एक चीज यहाँ पे और क्लियर करूंगा कि जब इतने मेंबर हो जाएंगे तो बहुत सारे लालच हो गए, यहाँ पे हत्या भी करने लग जाएंगे लोग, आत्महत्या भी करेंगे लोग अपने फैमिली के लिए। तो मैं बता दूं कि अगर आप जेका फाउंडेशन के मेंबर हैं और 90 डेज के अंदर अगर कोई आत्महत्या करता है तो उसको नहीं मिलने वाले हैं। अगर कोई बुजुर्ग है 80 साल 85 साल 90 साल 60 साल से प्लस वाले, अगर वो जेका फाउंडेशन के मेंबर बनते हैं उसके 90 डेज के अंदर उनकी भी डेथ हो जाती है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उनको 90 डेज के बाद अगर होते हैं तो एलिजिबल होते हैं, फिर उनको मिलता है। बहुत सारे लोग हत्याएं भी करेंगे, हत्याएं अगर होगी तो उसमें पुलिस केस भी होगा, एफआईआर भी होगा, अब पुलिस वाले पोस्टमार्टम करेंगे, उसके रिपोर्ट आने तक हम इंतजार करेंगे और वो उसका इंतजार जब खत्म हो जाएगा तो हमें उनको भी क्लेम मिल जाएगा। सेकंड की बात करूं, यहां पे जो बिजनेस प्रोजेक्ट फंड है, बिजनेस प्रोजेक्ट फंड का मैं सिंपल सा आपको वर्बली ये भी बता देता हूं, जो लिखित में आप लोग पढ़ लीजिएगा कि आपको मान लीजिए हम इतने सारे बैठे हुए यहाँ पे सभी लोग मेंबर हैं जेके फाउंडेशन के, हमें से किसी एक का दिमाग काम करता है कि हम बिजनेस कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं, पैसा इनकम मिल सकता है, हम प्रॉफिट बहुत सारा कमा सकते हैं, लेकिन हमारे पास इनकम नहीं है, मनी नहीं है कि हम उसको स्टार्ट कर सके, ना ही हमें हमारे पास कोई ऐसी लाइबिलिटी है जिससे हमें लोन मिल जाए, जो अपने घर में इनकम है उसके हिसाब से लोन मिल जाए, बैंक भी नहीं दे रहा है। तो हम जेके फाउंडेशन को अपने प्रोजेक्ट बना के हम उसको सबमिट करेंगे और उसकी जेके फाउंडेशन की टीम जो भी उनके मेंबर होंगे वो हमें इंटरव्यू लेंगे कि हम उस लायक हैं भी नहीं जो हम लोन मांग रहे हैं। मान लेते हैं 1 करोड़ लोन चाहिए हमें, 1 करोड़ लोन हमने मांग लिया उनसे प्रोजेक्ट के लिए और वो हमें सब कुछ सही पाते हैं तो हमें वो 1 करोड़ रुपया दे भी देंगे कि हमारे प्रोजेक्ट में दम है, हम कमा के दे सकते हैं, प्रॉफिट कर सकते हैं और हमारे जो प्रोजेक्ट है उसमें दम है तो हमें पैसा मिल जाएगा। लेकिन उस पैसे को हमें देना भी नहीं है और उस पैसे को हमें कोई इंटरेस्ट भी पे नहीं करना है, कितनी अच्छी बात है। लेकिन उस बिजनेस में जो आप पैसे लगा देंगे और उस बिजनेस से जो प्रॉफिट आपको आने वाला है 100% प्रॉफिट में से आपको 35% आपको रखना है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 35% आपको रखना है और बाकी जो पैसा है 100% वो इन्वेस्टर और जेका फाउंडेशन को और विक्टर क्लब अचीवर के लिए चला जाएगा। तो ये आपको 65% दे देना है और 35% आपको रखना है, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, आपका पैसा आपको वापस भी नहीं देना है और 35% किसी बिजनेस से प्रॉफिट आ जाना ये छोटी मोटी बात नहीं है। तीसरा बात करूंगा विक्टर क्लब की। अब यहाँ पे विक्टर क्लब का तीसरा जो फायदा है, दूसरा दो फायदे तो आपको सभी को मिल जाएंगे, तीसरा फायदा लेने के लिए आपको सभी को 12वें स्लॉट तक यानी विक्टर क्लब अचीवर बनना पड़ेगा और ये विक्टर क्लब अचीवर बनने के बाद आपको 3 लाइफ तक 3 पीढ़ियों तक आपको पैसिव इनकम मिलने वाला है और वो यहीं से मिलने वाला है। आप इसको भी अच्छे से रीड करिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन थोड़ी सी मैं ब्रीफ कर देता हूं कि मान लीजिए जो 65% पैसे आए हैं उसमें से 10% विक्टर क्लब को जाना है और वहीं से पैसिव इनकम आना है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे सिस्टम कहते हैं कि हम रॉयल्टी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लेकिन वो लायबिलिटी क्रिएट होती है और वो नहीं दे पाते। लेकिन यहाँ कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होने वाली है क्योंकि जो यहाँ से 10% आएगा, जो प्रोजेक्ट बन रहा हुआ है बिजनेस प्रोजेक्ट, और यहाँ पे एक लोग नहीं लाखों लोग आने वाले टाइम में बिजनेस लोन लेंगे और करेंगे यहाँ से, और उनके जो 10% आएंगे, मान लीजिए यहाँ पे दर्शाया गया है कि 10 लाख ही मान लीजिए आता है, जो 10% आया 10 लाख, और यहाँ पे मान लीजिए विक्टर क्लब अचीवर के 10 ही मेंबर हैं तो उस 10 मेंबर में इक्वल बांट दिया जाएगा, यानी 1-1 लाख रुपया और हर मंथ मतलब उनके कनेक्टेड वॉलेट में जो उनकी KYC हुई है, वेरीफाई हुई है, उसके अंदर वो उनका जाता रहेगा। आज हो सकता है 1 लाख है, कल को 10 लाख भी होगा, 1 करोड़ भी होगा, 10 करोड़ भी होगा, मंथली ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जितना बड़ा बिजनेस यहाँ पे होगा उतना बड़ा पैसा इनको और 3 पीढ़ियों तक मिलने वाला है। जैसे लेखक होते हैं, गायकार होते हैं, कलाकार होते हैं, बहुत सारे जो सरकार से मान्यता उनको मिलती है, तो उनको 3 पीढ़ियों तक कुछ ना कुछ वहाँ मिलता है, तो वो चीज़ यहाँ पे भी लागू है और ये शानदार है, दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्लान मैं मानता हूँ इसको। अभी तक तो नहीं है, अगर किन्हीं के पास है और आने वाले भविष्य में आए तो कॉपी तो चलता ही है और कॉपीराइट तो इसका भी होगा ही होगा। तो आप अभी अपने फेस वैल्यू को बचा के मार्केट में काम करना चाहते हैं तो एवरग्रीन को अपनाइए। और मैं ये भी कहूँगा लास्ट में कि आपको यहाँ पे काम करने के लिए ट्रस्ट वॉलेट, जो पहले ही आपको बता दिया था कि ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क के ऊपर हमारा एवरग्रीन वर्क करता है, जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ डिसेंट्रलाइज्ड वेब है, यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर है, कोई यहाँ पे हैकिंग नहीं हो सकती, कोई यहाँ पे आपके स्कैम नहीं कर सकता जब तक आप नहीं चाहेंगे। आप अपने की को किसी को शेयर मत कीजिए, चाहे कितना भी अच्छा दोस्त आपका क्यों ना हो, उसको आप की नहीं देंगे, उसके मोबाइल में फोटो नहीं खिंचवाएंगे, आप लिखेंगे उसको, नोट डाउन करेंगे और एक दो जगह उसको रखेंगे, लेमिनेट करवा के रखेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ के साथ वही पैसा है, वही तिजोरी की चाबी आपका। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखना है कि किसी को शेयर नहीं कराना है, आपके की आता है तो किसी के मोबाइल से फोटो भी नहीं खिंचवाना है, आपको अपने हाथों से नोट डाउन करना है अपने कॉपी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लीडर होते हैं, अपलाइन होते हैं, जो आपके की रखेंगे और आने वाले टाइम में भविष्य में आपके पैसे, पैसे ऐसा चीज है कि लोभ होता ही है, तो वो चोरी करेंगे, फिर आपको लगेगा कि मेरे साथ धोखा हो रहा है। तो आप किसी के साथ ऐसा ना करें, आप अपना सेफ रखेंगे और किसी को शेयर नहीं करेंगे, शेयर उन्हीं करेंगे जो आपका आने वाला भविष्य है, अपने घर में आपका है, उसको शेयर कर सकते हैं, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। अब मैं बताना चाहूंगा कि इस कंसेप्ट में आप लोग दिल खोल के काम कर सकते हैं।
और इतना समय आप लोगों ने दिया है, मैं कोशिश किया हूँ 100% देने के लिए। उसके लिए आप जो आप लोग धैर्य पूर्वक सुना आपने, आप लोगों के लिए फिर से मैं थैंक यू करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने सुना, और कहीं भी अगर कोई भी त्रुटि हुई हो तो माफी चाहूंगा। थैंक यू सो मच अशोक वगैरह सर, आप आए और मंच को संभाले। थैंक यू सो मच, आई लव यू, एवरग्रीन। ग्रेट ग्रेट, बहुत शानदार प्लान हुआ।